हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज के व्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है सुबह सुबह के, अभी 7 बजे हैं और 7 बजे से कम का टाइम है, 10-5 मिनट शायद अभी कम होगा। तो यहाँ पे सब लोग चाय पी करके बैठे हुए हैं। आयांश बैठा हुआ है, अभी मेरे ऊपर बैलून्स लेकर बैठा हुआ है, भाई इधर लेटा हुआ है। और आज के ब्लॉग की हमने शुरुआत कर लिया। और आज दोस्तों मुझे जाना है घर, और एक ख़ास वीडियो है जिसको मुझे रिकॉर्ड करना है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आज उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद ही शाम तक मैं घर जाऊँगी। तो दोस्तों अभी देखिए मैं चाची के घर आ गई हूँ। घर के सामने वो पापा दिख रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहे होंगे, गाड़ी जहाँ से गई। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ काम है, अभी आप लोगों को बताऊंगी। और ये जो वीडियो है ना, वो रिक्वेस्टेड वीडियो बन रहा है। जो हमारी एक माँ जी है ना, वो हमेशा कमेंट करती हैं कि मतलब इस वीडियो के लिए। अभी आगे आप सभी को समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ बता नहीं रही हूँ। तो ये सामने चाची जी हैं और चल रहे अंदर, देख रहे मौसी क्या कर रही है। आप मौसी क्या कर रहा था? ये बोलो हेलो। तो और मम्मी कहाँ गई? अरे मम्मी से काम था यार, बैठूंगी नहीं चाची, काम रहा इनकी मम्मी। अम्मी कुछ खाए बोले तो अभी मैं चाची जी के घर में बैठो, आप बैठो, मैं आ रही हूँ। चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। तो दोस्तों अभी देखिए चाची के घर में हूँ और दो चाचियों से बात हो चुकी है, मौसी से भी। एक बड़ी वाली जो चाची है ना, वो छत पे है, तो उनके पास चल रहे, दिखाते क्या कर रही है। हमने खड़ी मिल गया, और चाची ना छत है ये इनका, ये देखिए खाना बना रही है। कहाँ बोले चाची? दूध डुलाते, मुझे लगा खाना बन रहा है। अच्छा ये बताओ चाची, जो क्या बोले थे उधर से, वो निकाल के ला। दोस्तों अभी जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी ना, बड़ी खुश थी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया क्योंकि अम्मी बता रही थी कि चाची गई थी वहाँ। तो वहाँ जो है ये चाची नहीं गई थी, और वहाँ पे सूखी वाली मिट्टी मिलती है, मुझे तालाब से मिट्टी निकालनी थी। तालाब तो यहाँ था एक पास में, बहुत पहले साथ हम लोग बचपन से वहीं से ले आया करते थे, और आज तक मम्मी लोग, ये चाची लोग सब ले आई होंगी वहाँ से। लेकिन अभी लोगों के कच्चे जो है वो मकान बन गए हैं, वो तालाब भी सूख चुका है। एक तालाब और है गांव में, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन वो जो तालाब है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, इसलिए वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही जो है चलती हूँ। और चाची से आप सभी को थोड़ा सा दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ। ये देखिए चाची, कुछ बोल दीजिए चाची। चाची देखिए खोआ बना रही है, दूध है कढ़ाई में। तो गाँव में सबके घरों में इस तरह की कढ़ाई मिलेगी, भट्टी देखिए छत पर बनाई है और खोआ बना रही हैं। रसोई घर भी है इनका और भट्टी भी है। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये बगल जो चाची की साइड में इनका घर है ना, इनके यहाँ पूछते हैं, शायद यही गई थी। क्योंकि दोस्तों दूर है, देखिए आप लोग सोच रहे हो कि घर घर पूछ रही है, दूर है ना, तो दूर है तो वहाँ जाने के लिए फिर कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग इतना रुकते हैं नहीं, पहले का बात कुछ और था, अब हम लोग भूल चुके हैं सारी चीज़ों को। जहाँ से पहले ले आते थे वो बन अभी सूख भी चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी भी जो हम लोगों का प्लान था ना, वो पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि कुछ बन नहीं पा रहा है वीडियो। और ये चाची लोग से सबसे हम लोग, तो ये तीनों देवरानी जेठानी सब खड़ी है, और इनकी सास जो है वो बैठी है, वो दिख रही है ना, थोड़ा सा चाय पी रही थी अभी। और ये वाली चाची का ना दोस्तों, ये देखिए इनका जो है, इनके ये लड़के हैं, मैं दिखाती हूँ इनको। ये देखिए भैया, देखो जरा, देखो जरा ऐसे ऊपर ये ऊपर कर। ये देखिए दोस्तों, ये कितने साल का होगा चाची? हमें 23 जुलाई 2012। तो दोस्तों ये 11 साल का बच्चा हो गया है, और इसको मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक से नहीं दिख रहा। ये देखिए दोस्तों इनका जो है, इसका ना ये हाथ पैर पूरा काम नहीं कर रहा है, और ये 11 साल का हो गया। इस उम्र में बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, और इसका ये हाल है ना, ये बेचारा ना देख सकता है, ये देखिए देख भी नहीं सकता है। और ये इसके हाथ में ये बाल है ना, अपने आप काट लिया था क्या यहाँ भी? ये जहाँ जहाँ, अच्छा ये जहाँ जहाँ अपने आप दांत काट, जहाँ ये दांत काट लेता है अपने आप काटता है ये दांत, ये देखिए। और जिस जगह पे दांत काट लेता है वहाँ पे इसी तरह से बाल निकल आते हैं, ये देखिए। मतलब इतनी दया आती है इस बच्चे को देख के, ना पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल ही सकता है, बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत है। और इनके दो बच्चे और हैं जो पढ़ने गए हैं, लेकिन तीन और है ना जिसको लेके चौथा, ये बड़ा ही वाला है ना, सबसे बड़ा यही है। पर बेचारा घर में, ये देखिए मिट्टी, मिट्टी क्यों खा रहे हो? देखो मिट्टी खोद के, यही खोदा है ये मिट्टी, ये देखिए। और यहाँ पे अभी पड़ा था, अभी सो के उठा है, चाय पिया है ये, वह देखो निकाल दिया मिट्टी, भर भर के थूक देगा ना।
इसको बहुत दिक्कत है, सच में देखकर इतनी दया आती है कि भगवान इसको पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दे दिए हैं। अभी अगर ये देख सकता, चल सकता तो पढ़ने जाता। अभी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ये देखिए दोस्तों, घर जाने के लिए मैं तैयार ही थी कि बारिश होने लग गई है और बारिश की वजह से अभी नहीं जा पाएंगे और दोपहर के बज गए हैं 3, तो देखते हैं कि बारिश निकल जाती है जल्दी तो चले जाएंगे, अगर नहीं निकलती है तो फिर कल सुबह ही घर जाना हो। बारिश नहीं निकलती है ना दोस्तों तो फिर कल सुबह ही जा पाएंगे, नहीं तो पूरा मन था जाने का क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा है, बच्चे वहाँ पे छूटे हैं और आज तीसरा दिन है मेरा। सोच रही थी कि पहुँच जाऊँ घर, अगर अभी नहीं जा पाऊँगी तो सुबह फिर 7 बजे ही घर से निकल जाऊँगी। देखते हैं, कुछ देर इंतज़ार भी कर लेते हैं। तो दोस्तों बारिश तो नहीं निकल रही थी और आज मेरा घर आना ज़रूरी भी था क्योंकि 10 तारीख को मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो इसीलिए घर पहुँचना और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करना, मतलब बच्चे भी वहाँ पे परेशान हो रहे हैं तो इतने दिन तक मैं खुद नहीं रह पाती हूँ। उसके बाद तो दोस्तों अभी देखिए सुबह के बज गए हैं 8:15 और अभी मैं घर पहुँच चुकी हूँ, कल शाम को ही मतलब कल ही पहुँच चुकी थी, वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि शाम हो गई थी वहां से आते आते, तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अभी सुबह का टाइम है, नहा धो के थोड़ा सा तैयार हो गई और अब जा रहे खाना बनाने के लिए। और आज की वीडियो में मैं सोच रही हूँ स्क्रब कर लेती हूँ और आप सबको भी दिखा देती हूँ। और स्क्रब के लिए मैं जो है वो DIY यूज करूंगी। ये देखिए, ये है कॉफी लेके आई हूँ, कॉफी पैक 10 रुपए वाला, इसका पैक बनाऊंगी। और स्क्रब के लिए घर का बेसन वगैरह यूज कर लूंगी, तो वो तो मैं आप सभी को दिखाती रहूंगी। और जो पर्स में सारी चीज़ें इधर उधर है ना वो मैं ठीक कर रही हूँ, और उससे पहले मैं इसको रख देती हूँ, बाद में देखूंगी, पहले खाना बना लेते हैं क्योंकि 8:15 बज गए हैं कुछ भी। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, सुबह के खाना बनाने का, यानी कि सुबह के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दोस्तों वहाँ से जब मैं आई थी मम्मी के घर से तो शाम हो गई थी, वैसे चाहती तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती लेकिन फ़ोन की बैटरी नहीं थी, तो फिर मैंने वहाँ से आने के बाद लगा दिया था मोबाइल को चार्जिंग में। और घर मतलब एकदम पहले जैसा अब नहीं रहता है, सब कुछ अभी बदल चुका है क्योंकि दिन पे दिन बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब मेरा जो काम है ना वो हल्का हो रहा है क्योंकि जब मैं घर में के अंदर घुसी थी तो उस टाइम मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा था, बच्चों ने मतलब माँ ही घर की सफाई वगैरह कर लेती हैं, वो बड़ी है तो मम्मी के ना रहने पे झाड़ू वगैरह लगा देती है, झाड़ू लगाना पसंद है उसको और घर की सफाई अच्छे से कर देती हैं, तो फिर पूरा घर साफ़ था, बस वही किचन और बर्तन वगैरह सब जो है वो गंदे थे और बिस्तर वगैरह ठीक करना था, तो वही सारे काम थे जो अभी कुछ काम मैंने कल शाम को ही कर दिए थे आने के बाद, और कुछ अभी पड़े हुए हैं तो वो तो मैं आराम से करूँगी क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है, पहले से खाना बन जाए, सबका नाश्ता वगैरह हो जाए, फिर बाकी के काम करते रहेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले कर लेते हैं और जो नहीं अभी उतना जल्दी है कि चलो आराम से करेंगे उसको तो उसको मैं बाद में ही कर लूँगी दोस्तों। और आप जो है जो भाई बहन नए हैं चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जितना हो सके सपोर्ट कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज देखिए खाने में बन रहा है कद्दू की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें मैंने तड़के के लिए लिया है। तो अब पहले तो मतलब शुरू में क्या था ना दोस्तों, सब्ज़ी बगैर लहसुन और प्याज की अच्छी ही नहीं लग रही थी, लग रहा था कोई स्वाद ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी अच्छी लगने लगी है, लहसुन प्याज की जो आदत है ना वो छूटने लगी, मतलब वो एक साइड हो रहा है और ये अभी हमारी तरफ मतलब इसके तरफ हम एक्टिवेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे तड़का वगैरह लगा दी हूँ सब्जी में और वही बेसिक मसाले, सिंपल सा छौंक लगाने का तरीका, सिंपल सी सब्जी। और कुछ बहुत दिन हो गए हम लोग मतलब मेरे यहाँ कुछ
सब्जी में कुछ अलग सा बना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी राजमा मंगवा लेती हूँ। तो किसी दिन हम राजमा और चावल बनाएंगे, तो शायद शाम को मैं मंगवा लेती हूँ, भिगोऊंगी कल, रात को ही भिगो दूंगी तो कल बना लेंगे। अभी देखती हूँ, सोचा है मैंने अभी, क्योंकि मैं वही वही खा खा के अभी हम लोग बोर हो चुके हैं, और दाल भी हमारे घर में ख़त्म है जिनसे हम दाल लेते हैं, अभी वो आए नहीं हैं, तो उनका भी वेट किया जा रहा है कि वो भी आ जाएं जल्दी से, ताकि खाने में कुछ बदल जाए। तो दाल का भी मैंने सोचा है कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जो दाल के साथ चोखा रोटी और ये सारी चीज़ें चूल्हे में बनाएंगे, उनका रिक्वेस्ट है, तो वो भी मैं पूरा करूँगी दोस्तों। तो धीरे धीरे करके जब एक दो दिन के लिए कहीं हट जाते हैं ना घर से, मतलब चले जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो हमारी, जो हम बनाना चाहते हैं, तो वो एक मतलब सब एक साथ हो जाती हैं, तो एक एक करके ही बनाएंगे। खाना बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर, खा पी भी लिया है, पर हमने नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि बाहर का हमने कहा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। तो बस यहाँ पे मैं सुबह जो है बाहर का काम नहीं कर पाई थी, अभी जो हमारा काम हो रहा है वो हो रहा है अभी करीब 10 बजे का, तो सुबह का जो काम होता है ना, उस काम को मैं अभी सुबह के 10 बजे कर रही हूँ, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि नहीं निकल पाई थी बाहर। शाम को आते मतलब जब आई थी तो उस टाइम रात हो गई थी, फिर घर के कामों में ही लगी रह गई, और सुबह उठी तो फिर साफ सफाई सारी चीज़ें करने में भी लेट हो गया, तो बाहर निकली ही नहीं, बस वही सामने चबूतरे पे झाड़ू लगा दिया था और कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो फिर अभी मैंने कहा चलो ये अभी गोबर रह गया है बाहर का, बाकी के काम तो इसके पापा ने कर लिया था सुबह करके, फिर वो अपना निकल गए हैं, और मैं यहाँ पर फिर ये सारे कामों को कर रही हूँ, और बस यहाँ पर गोबर उठा लिया दोस्तों, और अभी कपड़े वगैरह धोने के लिए रह गए हैं, बाकी के जो काम है मैं कुछ जो है कमेंट हैं जिनको कल की वीडियो में मैं पढ़ूंगी और आप सबको रिप्लाई करूंगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ होता है कि जैसे कहीं मायके चले जाओ घूमने, और वहाँ क्या होता है जब घूमने हम जाते हैं ना, तो फिर दो तीन दिन तो वहाँ कोई काम नहीं करना होता है, तो यहाँ आने के बाद जितना हम आराम करते हैं सारा आराम हमारा निकल जाता है, और मतलब थोड़ा दिक्कत होती है काम करने में, 2-3 दिनों में हमें बैठने की आदत हो जाती है, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ का आराम यहाँ पे सारा निकल के बाहर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े जो है वो भिगो के रख दिए थे डेली वाले, और जो कल कपड़े हम लोग पहन के आए थे वो अलग रख दिया था, इसको अलग बाल्टी में भिगो देंगे और उसको अलग भिगो देंगे। ये अभी का जो टी शर्ट है उसको मैंने साइड में रख दिया है, तो उसको मैं अलग से साबुन से धो दूंगी। और मेरा जो पेटीकोट है ना येलो कलर का था कल जो पहन के आई थी, तो इसका पूरा कलर निकल रहा है, सारे कपड़ों के साथ मैंने इसको डाल दिया था भीगने के लिए, तो ये अलग सा एकदम कलर निकल रहा है, पूरे कपड़ों को ये ख़राब कर देगा, तो इसको मैंने निकाल लिया है, निकाल के पहले धो देंगे। बाकी के जो कपड़े मैंने भिगोए इसको थोड़ी देर बाद में धोऊंगी दोस्तों, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाए हैं, काम जब पड़ा रहता है तो फिर वही मन करता है कि सारे काम कर डालो, पहले काम फिर खाना बाद में। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं।